हेलो फ्रेंड्स, घरेलू औषधि में आपका स्वागत है। बी नेचुरल बी हेल्दी। फ्रेंड्स, आज आपके सामने कान दर्द जैसी बीमारी के दवा को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो आप तक आसानी से मौजूद हो सके। जी हाँ, जब मैं अपडेट करूँ तो उस वक्त आपको मालूम हो सके। फ्रेंड्स, कान दर्द आमतौर पर हर व्यक्ति को कभी भी किसी उम्र में उभर सकता है, बट कान दर्द सामान्यतः तब होता है जब उसमें कुछ इन्फेक्शन्स हो जाते हैं या फिर कान पर चोट लग जाती है। तो इस प्रक्रिया के तहत कान दर्द काफ़ी तेज़ बढ़ जाता है। तो इसको कैसे घर पे ही घर के औषधि, घर के इंग्रेडिएंट्स, किचन मटेरियल से ही कैसे अपने कान दर्द को ठीक करें, और काफ़ी प्रभावशाली ये औषधि है, तो कैसे इसे बनाएँ और क्या क्या इसमें चाहिए, सारे डिटेल्स आपको इस वीडियो के जरिए मैं लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप इस वीडियो को अच्छे से लास्ट तक देखिए और क्या करना है मैं उसमें अच्छे से मेंशन किया हुआ हूँ। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि आपको करना क्या है। आपको ये भी बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, जो हिंदी में कंपैटिबल नहीं है, दोज वर कंपैटिबल इन इंग्लिश, प्लीज़ गो टू माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड रीड। आई हैव मेंशन ईच एंड एवरी स्टेप्स प्रॉपरली ओवर देयर एंड यू जस्ट फॉलो दैट। फ्रेंड, महत्वपूर्ण सामग्री की बात करें अगर, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं महत्वपूर्ण सामग्री में लहसुन, जी हाँ गार्लिक, लहसुन की कली 2 पीस चाहिए, लहसुन की कली 2 पीस और 2 चम्मच सरसों का तेल, जी हाँ 2 स्पून मस्टर्ड ऑयल, और नीम की पत्ती, नीम लिप्स, 8 पत्तियाँ नीम की हो सकती हैं। फ्रेंड्स, ये नीम की पत्तियाँ तभी आवश्यक होंगी जब आपका कान बहता होगा। जी हाँ, कान दर्द और कान बहना दो अलग अलग बात होती है। आपको मैं बताऊंगा कि क्या करना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे इन 2 कली, आप लहसुन की ले सकते हैं, फिर मस्टर्ड ऑयल है और फिर यहाँ पे नीम की पत्ती। तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं घर में। इसको बनाना कैसे है फ्रेंड्स, आपको 2 कली लहसुन की लेनी है, 2 चम्मच सरसों का तेल 1 कटोरी में। अगर आपके कान में केवल दर्द है तो आप नीम की पत्ती ना लें तो बेटर रहेगा। तो केवल दर्द के लिए लहसुन की 2 कली यानी 2 पीस और 2 चम्मच सरसों का तेल किसी कटोरी में डाल के हल्के आंच पे, जी हाँ हल्के टेम्परेचर पे इसको गर्म करें। जब लहसुन काला पड़ने लगे, जब लहसुन काला पड़ने लगे फ्रेंड्स, तो आप इसे निकाल सकते हैं और वो जब ठंडी हो जाए तो ठंडी होने के बाद 2 से 4 बूंद डालने से कान का दर्द बिल्कुल दूर हो जाता है। फ्रेंड्स, जी हाँ, कान का दर्द बिल्कुल दूर हो जाता है। यदि कान में कीड़ा चला गया हो तो आपको क्या करना है, यदि कान में कीड़ा चला गया हो और मरकर अपने आप बाहर निकालना है उसे, और दर्द भी काफ़ी करता है आपका कान, तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, और आपको नीम की 8 पत्तियां ले लेनी है, जो हरी हरी नई नई पत्तियां आई हुई हैं, हरी 8 पत्तियां या 5 पत्तियां ले लें और उन पत्तियों को तेल में ही डाल के गर्म कर लें, यानी उनका भी जो हरी पत्तियां होंगी उनके भी कलर डिसकलर हो जाएंगे और ब्लैकिश ग्रेइश कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे वो। तब आपको वो तेल निकाल के अपने कान के अंदर 2 से 4 बूंद डालने हैं। जी हाँ, जब आप सोएं तो 2 से 4 बूंद आप इसे डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये मात्र 1 सप्ताह या 15 दिन करना है। आप चाहें तो इसे 1 महीना भी ट्राई कर सकते हैं, तो 15 दिन के अंदर आपको निश्चित रूप से ही लाभ मिलेगा। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात ये है कि यह इसके सारे इंग्रेडिएंट्स जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, सारे इंग्रेडिएंट्स आपको आसानी से आपके किचन पे ही उपलब्ध हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसे जितना हो सके वीडियो को शेयर करें ताकि आम लोगों तक भी वो चीज़ें पहुंच सके। जो डॉक्टर के पास जाके पैसे खर्च करते हैं फ्रेंड्स, उन्हें आसानी से घर में ही बिना पैसे के उपचार हो सके, जो कि बहुत ही पॉसिबल सा नुस्खा है। फ्रेंड्स, तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग घरेलू औषधि फ्रेंड्स।